साइड नहीं देने पर रेत माफियाओं ने टेम्पो चालक को मारी गोली। गंगाबाई की बगीची के पास धौलपुर की है घटना। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना इलाके की गंगाबाई की बगीची के पास आज बुधवार शाम को रेत माफियाओं ने साइड नहीं देने पर एक टेम्पो चालक को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल चालक को इलाज के लिए जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया गया है। घायल चालक बहादुर पुत्र हल्का गुर्जर निवासी मोरौली धौलपुर ने बताया कि वह अस्पताल से टेम्पो से घर जा रहा था। इस दौरान गंगाबाई की बगीची के पास पीछे से अवैध चंबल रेता से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली आए, जिन्हें जगह नहीं होने के कारण साइड नहीं दे पाया। इससे गुस्साए दो तीन रेत माफियाओं ने पहले तो मारपीट की, जब इसका विरोध किया तो उन्होंने अवैध देसी कट्टे से गोली मार दी जो उसकी कनपट्टी में लगी है, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना प्रभारी राजेश पाठक मय जाप्ते के अस्पताल पहुंचे और घटना की जानकारी ली। कोतवाल राजेश पाठक ने बताया कि रेत माफियाओं की ओर से गोली मारकर युवक को घायल किया गया है। घटना को लेकर पूरी जांच कर रहे हैं और तहरीर मिलते ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर्वे करने जा रही आंगनबाड़ी सहायिका की ट्रक की टक्कर से मौत, महाराजपुरा चौराहे की घटना। धौलपुर शहर के सदर थाना इलाके के नेशनल हाईवे नंबर 3 की सर्विस रोड पर महाराजपुरा चौराहे पर आज बुधवार सुबह एक तेज रफ्तार ट्रक ने सर्वे करने जा रही आंगनबाड़ी सहायिका को टक्कर मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसकी इलाज के दौरान जयपुर ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। मृतका के गांव के निवासी विजय शर्मा ने बताया कि 35 वर्षीय राजवती उर्फ राजा बेटी पत्नी स्वर्गीय विद्याराम कुशवा निवासी महाराजपुरा धौलपुर गांव के ही आंगनबाड़ी केंद्र में सहायिका के पद पर कार्यरत है, जो आज बुधवार सुबह सर्वे करने जा रही थी। इस दौरान महाराजपुरा चौराहे पर हाईवे की सर्विस रोड पर तेज रफ्तार ट्रक ने महिला को कुचल दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे ग्रामीणों ने इलाज के लिए जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया, जहां से गंभीर हालत में चिकित्सकों ने रेफर कर दिया। इस पर परिजन उसे इलाज के लिए जयपुर ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। इसके बाद सबको वापस धौलपुर लाया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। वहीं घटना के बाद ट्रक चालक ट्रक को लेकर भाग गया। बच्चे हुए अनाथ। महाराजपुरा गांव निवासी विजय शर्मा ने बताया कि मृतका राजवती के पति विद्याराम कुशवा की करीब 10 साल पहले सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी है। इस कारण परिवार का लालन पालन राजवती ही कर रही थी। वहीं परिवार की आर्थिक हालत बहुत खराब है। राजवती अपने पीछे दो बेटी 19 वर्ष और 17 वर्ष तथा एक बेटा 12 वर्ष का छोड़ गई है, जिनके सिर पर अब माता पिता का साया उठने से वह अनाथ हो गए हैं। वहीं घटना के बाद परिवार में चीख पुकार मची हुई है। धौलपुर जिले में कोरोना से आज फिर हुई दो लोगों की मौत। धौलपुर जिले में आज बुधवार को फिर से कोरोना संक्रमण से दो लोगों की मौत हुई है। जयपुर से जारी हुई राज्य स्तरीय जिलेवार कोरोना सूची के अनुसार आज धौलपुर जिले में कोरोना संक्रमण से दो लोगों की मौत हुई है। वहीं 70 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा स्वस्थ होने पर 288 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है। इसलिए अब धौलपुर जिले में कोरोना के एक्टिव केसों की कुल संख्या 1029 रह गई है। आपको बता दें कि मंगलवार को भी कोरोना संक्रमण से धौलपुर जिले में दो लोगों की मौत हुई थी। तसीमा में 6 लोग निकले कोरोना पॉजिटिव, मचा हड़कंप। सैपू इलाके के तसीमा में कोरोना संक्रमण के मरीज निकलने पर ग्राम पंचायत के अनुरोध पर उपखंड प्रशासन और जिला प्रशासन द्वारा चिकित्सा टीम भेजकर मंगलवार को कोरोना सैंपलिंग कराई गई, जिसमें सभी फल सब्जी मेडिकल व किराने की दुकानों सहित ग्रामीणों की सैंपलिंग कराई गई, जिसमें किसी की भी दुकानदार की रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई है। लेकिन ग्रामीणों में से 6 लोगों को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, वह एक सैंपल रिपीट किया जाएगा। कोरोना संक्रमितों का चिकित्सा विभाग द्वारा होम आइसोलेशन कर इलाज शुरू कर दिया गया है और उनके परिजनों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। लोगों के कोरोना सैंपल कराए गए, जिसकी रिपोर्ट आज 19/5/2021 को आई है, जिसमें 6 लोगों को पॉजिटिव बताया गया है एवं एक को रिपीट सैंपल के लिए बताया गया है, जिसमें मेरे द्वारा रिलेटेड ANM को कोविड किट देने के लिए पाबंद कर दिया गया है और उनकी मॉनिटरिंग के लिए भी पाबंद कर दिया गया है। और जो रिपीट सैंपल के लिए जो आया था आज, इसके लिए कल उसकी वापस सैंपलिंग करी जाएगी।
एसपी के नेतृत्व में पुलिस ने डांग व चंबल के बीहड़ों में चलाया डकैत केशव गुर्जर की तलाश में सर्च अभियान। धौलपुर एसपी केसर सिंह शेखावत के नेतृत्व में आज बुधवार को बड़ी संख्या में पुलिस बल ने इनामी डकैत को धरपकड़ करने के लिए चंबल के बीहड़ों व डांग इलाके में सघन सर्च अभियान चलाया। एसपी शेखावत ने बताया कि मेरे नेतृत्व में इनामी डकैत केशव गुर्जर सहित अन्य वांछित इनामी बदमाशों की तलाश में आज ईआरटी टीम भरतपुर, क्यूआरटी टीम, डीएसटी टीम, सुमन कुमार उपनिरीक्षक थानाधिकारी मनिया, योगेंद्र सिंह उपनिरीक्षक थानाधिकारी सदर थाना बाड़ी मैं जापता, परमजीत सिंह उपनिरीक्षक थानाधिकारी सेंपू मैं जापता, लाखन सिंह उपनिरीक्षक थानाधिकारी बसेड़ी में जाप्ता ने चंबल के बीहड़ों में सघन सर्च अभियान चलाया। संयुक्त ऑपरेशन के दौरान चंबल के बीहड़ों में चप्पे चप्पे पर सघन सर्चिंग की गई। अभियान के दौरान जोगनी का पहाड़, छज्जेबाई, मोती कोटरा, मनाखुरी, सोने का गुर्जा, टपुआ, सायपुर, मगजीपुरा, बनवारी का अड्डा, भोलापुरा, चंदीलपुरा के जंगलों सहित आसपास के बीहड़ों में भी सघन सर्च अभियान चलाया। सर्च अभियान के दौरान पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत ने पुलिस कार्मिकों को मोटिवेट करते हुए ड्यूटी के दौरान पूरे उत्साह, लगन व जोश के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित किया। बाड़ी अस्पताल में हुआ ऑक्सीजन प्लांट का भूमि पूजन। जिले के सामान्य चिकित्सालय बाड़ी में गेल इंडिया कंपनी द्वारा ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण किया जाना है, जिसका आज साधारण सामूहिक समारोह में बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा द्वारा भूमि पूजन किया गया। भूमि पूजन विधि विधान से मंत्रोच्चार के साथ विद्वान ब्राह्मणों द्वारा संपन्न कराया गया। बताया जा रहा है कि इस प्लांट की क्षमता 65 सिलेंडर प्रतिदिन निर्माण की होगी, जिसको लेकर शीघ्रता से तैयारियाँ चल रही हैं। प्लांट का फाउंडेशन 10 से 12 दिन में बनकर तैयार हो जाएगा, साथ ही एक महीने के अंदर सारी मशीनरी का सेटअप हो जाएगा, जिसके बाद प्लांट कार्य करना शुरू कर देगा। विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने भूमि पूजन के दौरान बताया कि सरकार की मंशा है कि प्रत्येक उपखंड और तहसील स्तर पर अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएं, जिससे ऑक्सीजन की कमी से अस्पताल में भर्ती किसी भी मरीज की मौत न हो। कोरोना संक्रमण के दौरान ऑक्सीजन की कमी के चलते प्रदेश और देश में कई लोगों की मौत हो गई है, ऐसे में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के यह एहतियात कदम उठाए गए हैं। ऑक्सीजन प्लांट के भूमि पूजन एवं शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान बाड़ी SDM राधेश्याम मीणा, अस्पताल के PMO डॉक्टर SD मंगल, योगेश अग्रवाल, PWD के XCN धनसी राम सैनी, विकास अधिकारी रामजीत सिंह, संवेदक राजेश मंगल के साथ अस्पताल का मेडिकल स्टाफ और शहर के गणमान्य लोग मौजूद रहे। वन टच कार वाइक शैम्पू से अब अपने वाहनों की धुलाई कीजिए और निरंतर वाहन की चमक को बनाए रखिए, वो भी आपके बजट में। साथ ही हमारे अन्य उत्पाद वन टच हैंड वॉश, फ्लोर क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर, ग्लास क्लीनर एवं धूप बत्ती भी उपलब्ध है। आज ही घर पर प्राप्त करने के लिए हमारे कस्टमर केयर नंबर 8279-27-1243 पर कॉल या व्हाट्सएप के जरिए प्रोडक्ट मंगवाएं। ऑर्डर के दूसरे दिन प्रोडक्ट आपके घर उपलब्ध हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटरशिप और डीलरशिप के लिए भी संपर्क करें। पता: आगरा जगनेर मार्ग, नगला कमाल, खीरागढ़, आगरा। निपटाऊ नहीं शादियों में टिकाऊ फर्नीचर दें, कोई भी समस्या आने पर घर तक सही करने की गारंटी। डबल बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल, अलमारी आदि शादी में देने हुए घर के लिए सभी तरह का फर्नीचर उपलब्ध। हमारे यहाँ धौलपुर के कारीगरों की सबसे बड़ी टीम। प्रत्येक सामान अनुभवी कारीगरों के द्वारा हमारे यहाँ ही बनाया जाता है। त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत विक्रेता ब्रज माधव फर्नीचर हाउस, राजाखेड़ा बाईपास पुल के पास, धौलपुर। धौलपुर जिले में दूसरे दिन भी दिखा ताऊते तूफान का असर, बरसात का दौर जारी। धौलपुर जिले में आज बुधवार को लगातार दूसरे दिन भी ताऊते तूफान का असर देखने को मिला, जिससे आज दूसरे दिन भी लगातार रुक रुक कर झमाझम बारिश का दौर जारी रहा। रात से ही रुक रुक कर बरसात हो रही है, जिससे मौसम में ठंडक आ गई है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वहीं वर्षा से मौसम सुहावना हो गया है। आपको बता दें कि मंगलवार को सुबह धौलपुर जिले में बरसात का दौर शुरू हुआ था, जो अब भी जारी है। मौसम विशेषज्ञ इसे ताऊते तूफान का असर बता रहे हैं।
आज सुबह से ही धौलपुर शहर के अलावा बाड़ी, बसेड़ी, सरमथुरा, राजाखेड़ा, मनिया, बसैनवाब, सैपू सहित लगभग पूरे जिले में बरसात का दौर जारी है। सिंचाई विभाग धौलपुर से मिली जानकारी के अनुसार सबसे अधिक बरसात आज सुबह बाड़ी कस्बे में हुई, जहां डेढ़ घंटे में 1 इंच बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा आज सुबह 8 बजे तक धौलपुर में 35 mm, बाड़ी में 25 mm, आंगई में 37 mm, उर्मिला सागर में 24 mm, तालाब साई में 30 mm, सैपू में 35 mm व बसेड़ी में 42 mm बरसात हुई। विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने किया बसैनवाब सीएससी का निरीक्षण। बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा आज बुधवार को बसैनवाब क्षेत्र के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। विधायक मलिंगा ने चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर राम नरेश से हॉस्पिटल स्टाफ तथा सुविधाओं का फीडबैक लिया। इस दौरान हॉस्पिटल के हालातों पर विधायक ने संतुष्टि जाहिर की। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के बीच क्षेत्र की जनता के लिए चिकित्सा सुविधा की कमी नहीं खले, इसके लिए चिकित्सक तथा समस्त स्टाफ अपना फर्ज अदा करे, किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान बाल कल्याण समिति धौलपुर के अध्यक्ष रवि पचौरी, टुंडा राम शर्मा, सीएससी प्रभारी डॉक्टर राम नरेश, डॉक्टर दीपक शर्मा, डॉक्टर सुरेंद्र अरसाना, राजेश परमार आदि मौजूद रहे। आज जो बसैनवाब का हॉस्पिटल था, आज हमने उनको देखा, अच्छा काम कर रहे हैं डॉक्टर वहाँ के, जो मरीजों से भी जानकारी ली, कुछ मिले वहाँ पर लोग जो दवा ले रहे थे उनसे भी पूछी कि कोई समस्या है डॉक्टर, तो उन्होंने यही बताया कि नहीं, हमारे जो दवाइयों वो सही तरीके से करें और ठीक व्यवस्था, साफ़ सफाई भी देगी, तो वो भी अच्छी व्यवस्था थी। डॉक्टर ने 4 की ड्यूटी की, एक को आज छुट्टी पर गए हुए थे, 3 वहाँ पर मौके पर प्रेजेंट मिले थे, और भी जो स्टाफ था वो सभी पूरा मिला, काम कुल मिला के अच्छा कर रहे थे वो। देखिए एमएलए साहब, ये इस महामारी में ज़्यादातर लोग घरों में कहते हैं, आप फिर भी क्षेत्र में लगातार घूम रहे हो और सीएससी और पीएससी का निरीक्षण कर रहे हो। अगर हम लोग नहीं जाए घरों से बाहर तो वो लोगों को घर व्याप्त होगी, तो जो नेता लोग हैं वो घरों में बैठे हैं, जो अधिकारी हैं वो घरों में बैठे हैं, तो आम जनता को कौन देखेगा। ये तो हमारी ड्यूटी बनती है, हम सभी लोग जाकर ना हॉस्पिटल को देखे, जनता को क्या परेशानी आ रही है, हम उनका साथ, ये तो हमारा काम है, हमें करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। मैं तो उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ, जो लोगों ने घरों के तारे लगाए रखे, चाहे वो किसी दल के नेता हैं, बीजेपी के हैं, कांग्रेस के हैं, या सपा के हैं, या बसपा के हैं, या वो किसी पार्टी के, जब हम लोग चुनाव पे जाते हैं और वायदा करते हैं कि हम आपके दुख में सुख में हम आपके हरदम साथ खड़े रहेंगे, वोट के पीरियड में हम ये बात करते हैं कि हम आपके दुख में सुख में खड़े रहेंगे, और जब जनता पर जब दुख आ रहा है तो उन लोगों ने अपने घरों के ताले लगा रखे और घरों से बाहर नहीं निकले हैं, जनता से नहीं मिल रहे हैं, ना जनता की ये देख रहे हैं कि किसी को दवाई मिल रही है, कोई ऑक्सीजन मिल रही है, कहीं इंजेक्शन लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, कोई जयपुर में पड़ा है तो कोई घरों के ताले लगा रखे हैं, कोई कहीं पर भी आराम कर रहे हैं, सिर्फ कोरोना का बहाना लेके ना ही घरों में बैठे हैं, इससे काम चलने वाला नहीं है। जनता सब जानती है कि कौन दुख में सुख हमारे काम आ रहे हैं, चाहे वो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रहा हूँ या कांग्रेस की तारीफ कर रहा हूँ, मैं सभी दल वालों से कह रहा हूँ, कांग्रेसियों से भी कह रहा हूँ और बीजेपी वालों से भी कह रहा हूँ कि आप वोट मांगने के पीरियड में मतलब आप कौन से भाषण देते हैं और अब आपका चरित्र क्या है, जनता सब जानती है कि कहने में और करने में क्या फर्क होता है। आप डर के मारे ऐसे डर घरों में बैठ गए हैं कि मतलब कोरोना आपको ही खा जाए क्या, तो जनता के साथ रहे। मैं तो दूसरे तीसरे दिन धौलपुर जिला चिकित्सालय पर भी 2-3 घंटे देता हूँ और अपने बाड़ी में भी रात को और दिन में रोजाना मैं ड्यूटी देता हूँ, रोजाना देख रहा हूँ और जहाँ जहाँ मुझे जरूरत होती है वहाँ हर जगह जाता हूँ, और जाना चाहिए सभी को। अगर हम जहाँ दुख के पीरियड में अगर हम पब्लिक के संग नहीं खड़े रहेंगे जनता के, तो कब देंगे वोट मांगने के पीरियड में। रायखेड़ा प्रशासन ने कस्बे में निकाला फ्लैग मार्च। रायखेड़ा प्रशासन ने आज राजाखेड़ा उपखंड कार्यालय से मुख्य बाजार होते हुए वार्ड 12-13 व छेकुआ बस्ती से पुलिस टाउन चौकी तक कोरोना की सावधानियों के प्रति जागरूकता अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च राजाखेड़ा उपखंड अधिकारी ब्रजेश कुमार मंगल व थानाधिकारी नेकीराम, ईओ नगरपालिका राहुल मित्तल व प्रभारी विवेक चौधरी के नेतृत्व में निकाला गया, जिसमें सरकार की लॉकडाउन की गाइडलाइन की पालना न करने वालों पर कार्रवाई की गई व विशेष सावधानी बरतने के निर्देश भी जारी किए गए।
वहीं गलियों में निकलने पर प्रशासन को देखकर लोगों में भगदड़ मच गई और लोग घरों की ओर दौड़ने लगे। उसके बावजूद नगरपालिका प्रशासन, उपखंड कार्यालय और राजाखेड़ा पुलिस की ओर से कई चालान काटे गए। साथ ही दोपहिया वाहन पर बिना मास्क व बिना हेलमेट वालों के भी चालान काटे गए। SDM मंगल ने उन्हें समझाया कि लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना न करके वे अपने और अन्य लोगों के जीवन को खतरे में डाल रहे हैं। अगर लापरवाही ज़्यादा बरती गई तो प्रशासन और सख्त कार्रवाई कर ठोस कदम उठाएगा, जिससे महामारी अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई भी शामिल है। भामाशाह निकिता ग्रुप एवं सरपंच ने बांटी ग्राम पंचायत में मास्क। जिले के नादनपुर थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत खनपुरा बसेड़ी में भामाशाह वंटी व गजेंद्र एवं सरपंच ने ग्राम पंचायत के प्रत्येक घर के लिए मास्क वितरण के लिए ग्राम पंचायत कोर खनपुरा को दिए। साथ ही विद्यालय में मौजूद लोगों को मास्क लगाने सहित राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की पालना के लिए लोगों को समझाया गया और मौजूद लोगों को मास्क पहनाए। इसके अलावा ग्राम पंचायत कोर ग्रुप के आह्वान पर ग्राम पंचायत खनपुरा के सरपंच एवं LDC व कोर कमेटी ने भी प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर के हर घर तक मास्क पहुंचाने की जिम्मेदारी ली। इस मौके पर ग्राम पंचायत सरपंच प्रतिनिधि सोवरन सिंह, कोर कमेटी अध्यक्ष महेश चंद शर्मा, भामाशाह बंटी गुर्जर, दिनेश पूनिया व कोर कमेटी सदस्य रमाकांत शर्मा, सत्येंद्र शर्मा, हरिओम शर्मा, कन्हैया लाल, मनोज कुमार, अमोल पुरी आदि गाँव के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। भार्गवबाटका धौलपुर में युवाओं ने बारिश में भीगते हुए कराया टीकाकरण। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी धौलपुर के तत्वाधान में आज बुधवार को भार्गवबाटका धौलपुर में जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल के निर्देशन में आयोजित 18 से 44 आयु वर्ग के कोरोना वैक्सीनेशन शिविर में तो काते चक्रवात के असर के कारण रिमझिम बारिश में भी युवाओं ने वैक्सीन लगवाकर युवा साथियों को टीकाकरण करवाने एवं कोरोना गाइडलाइन की पालना करने का आह्वान किया। रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि सुबह से शुरू हुई बारिश भी युवाओं को कोरोना वैक्सीन लगवाने में बाधा नहीं बन सकी। रुक रुक कर हुई बारिश में भीगते हुए बड़ी तादाद में युवाओं ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए टीकाकरण करवाया। रेड क्रॉस भार्गवबाटका मैंने वैक्सीन लगवाई है। मेरा सभी युवाओं से विशेष अनुरोध है कि सभी वैक्सीन लगवाएं। पाल जाधव, मैंने आज भार्गवबाटका में वैक्सीनेशन करवाया है और सभी युवाओं और भाइयों से निवेदन है कि वो भी वैक्सीनेशन करवाएं और जिला प्रशासन का सहयोग करें और जिला प्रशासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए कोरोना से बचाव करें। सोसाइटी के अंतर्गत भार्गवबाटका वैक्सीन लगवाइए। मैं वैक्सीन लगवाकर बहुत अच्छा फील कर रही हूँ और मेरा सभी युवाओं से अनुरोध है कि वो ये वैक्सीन अवश्य। बारूद फैक्ट्री धौलपुर में लगा कोरोना टीकाकरण शिविर। धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल व श्रम अधिकारी विमल प्रताप सिंह के निर्देश में राजस्थान एक्सप्लोसिव्स एंड केमिकल्स लिमिटेड बारूद फैक्ट्री धौलपुर के निदेशक कपिल बाहेती ने सामाजिक दायित्व निभाते हुए आज बुधवार को फैक्ट्री में कोरोना टीकाकरण शिविर लगाया, जिसमें 18 से 44 साल तक की उम्र के 495 पुरुष व महिला कर्मचारियों के टीका लगाया गया। टीकाकरण करने वाली टीम में अनिल यादव, सतीश दनगस, रीना राणा, सोनम राणा द्वारा टीके लगाए गए। वहीं फैक्ट्री प्रबंधन में राकेश कुमार शर्मा, महाप्रबंधक गुरविंदर सिंह परमार, मुख्य प्रबंधक नरेंद्र कुमार शर्मा, देवानंद यादव, रमेश कुमार गुर्जर, रवि शर्मा आदि मौजूद रहे। द राइट प्लेटफॉर्म फॉर योर चाइल्ड, AVM कॉन्वेंट स्कूल। आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य व सर्वांगीण विकास के लिए सुनहरी चाबी है, जो आपके बच्चों के लिए सफलता के द्वार खोलती है। सभी सुविधाओं से परिपूर्ण AVM कॉन्वेंट स्कूल, जहां ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास, कंप्यूटर लैब, बायो लैब, केमिस्ट्री लैब, कैंप्स, बच्चों को लाने ले जाने की सुविधा, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। जी हां, हर बात में बेहतर, आपका अपना स्कूल AVM कॉन्वेंट स्कूल, घंटा घर रोड, धौलपुर, राजस्थान। एडमिशन ओपन नर्सरी से कक्षा 12 तक। एक इंजेक्शन द्वारा बवासीर जड़ से खत्म, कांच निकलना, भगंदर व फिसर पर स्थायी उपचार। लेजर एवं क्षार शल्य द्वारा शिविर प्रत्येक माह की 9 एवं 20 तारीख को डॉक्टर AKS राठौर, मुंबई MD शल्य तंत्र, पता रत्न शांति गेस्ट हाउस, स्टेशन रोड धौलपुर, स्थायी पता प्राची हॉस्पिटल, हरिराज टॉकीज के बगल में
MS रोड मुरैना मध्य प्रदेश। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ने किया डाइट कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट पर बने कोविड केयर सेंटर का आज बुधवार को मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी धौलपुर के द्वारा निरीक्षण किया गया। डाइट कोविड केयर सेंटर के प्रभारी ओम प्रकाश लोधा ने बताया कि मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी धौलपुर सियरा मीणा द्वारा डाइट केयर सेंटर पर स्काउट के सहयोग से सोडियम हाइपोक्लोराइड के छिड़काव का शुभारंभ करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लोगों को बाहरी परिवेश के अलावा घरों में भी मास्क पहनने की आदत डालनी चाहिए। इस अवसर पर स्काउट यूनिट लीडर एवं कोविड केयर सेंटर के प्रभारी ओम प्रकाश लोधा व्याख्याता ने स्काउट नियम के पांचवें नियम का उल्लेख करते हुए बताया कि स्काउट पशु पक्षियों का मित्र और प्रकृति प्रेमी होता है, इसलिए हम सबको प्रकृति के दोहन के बजाय प्रकृति संरक्षण पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इस दौरान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बरौदा के ओम प्रकाश लोधा व्याख्याता, हरफूल व्याख्याता नरेंद्र कुमार शर्मा वरिष्ठ व्याख्याता, हरफूल व्याख्याता पुष्पेंद्र सहाय वरिष्ठ सहायक, रविदास योगेश कुमार शर्मा बनवारी लाल कैलाश चंद सोनी आदि मौजूद रहे। बसेड़ी एसडीएम ने ली कोर ग्रुप कमेटी की बैठक, दिए दिशा निर्देश। बसेड़ी एसडीएम सुभाष यादव ने आज बुधवार को ग्राम पंचायत बरई मुख्यालय पर कोर ग्रुप कमेटी की बैठक ली। बैठक के दौरान एसडीएम ने टीम को पंचायत स्तर पर कोरोना गाइडलाइन की सख्ती से पालना करवाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही गाइडलाइन की अवहेलना पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से उपखंड स्तरीय कंट्रोल रूम पर सूचना देने के लिए निर्देशित किया। एसडीएम ने पटवारी व ग्राम सचिव को निर्देशित किया कि वर्तमान में चक्रवाती तूफान एवं अधिक वर्षा की स्थिति में यदि किसी भी कृषक को किसी भी प्रकार की मकान या पशु हानि होती है तो उसका सहायता प्रस्ताव शीघ्र बनाया जाए। इस दौरान टीम को ग्रामीणों ने मास्क वितरित कर जागरूकता लाने को कहा। पचगांव गांव के पास सभापति प्रतिनिधि निशान सिंह ने बंदरों को खिलाए केले। कोरोना संक्रमण के चलते इन दिनों लॉकडाउन लगा हुआ है, जिस कारण लोग घरों में कैद हैं। ऐसे में बेजुबान पशु पक्षी दाने पानी व भोजन के लिए परेशान हैं। बेजुबानों की इस समस्या को महसूस करते हुए आज बुधवार को नगर परिषद धौलपुर के सभापति प्रतिनिधि निशान सिंह धौलपुर शहर के नजदीक स्थित गाँव पचगांव पहुंचे, जहाँ भारी तादाद में रहने वाले बंदरों को केले खिलाए। इसके अलावा उन्होंने धौलपुर शहर के अन्य स्थानों पर भी बंदरों को केले खिलाए। धौलपुर जिले की दिनभर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें